हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन और सक्सेस स्टोरी के साथ में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। जैसे आपको पता ही है शेंगेन क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्री, एक कंट्री नहीं है, 26 कंट्री आ रही हैं और बहुत ही जल्दी इसके अंदर दो और भी कंट्री हैं जो एड इन हो रही हैं, रोमानिया एंड क्रोशिया। ये दो कंट्री हैं जो इसके अंदर बहुत ही जल्दी एड इन होने वाली है, मे बी 1st of January से वी विल सी द अनाउंसमेंट फ्रॉम दिस टू कंट्रीज़ की ये भी एक शेंगेन का पार्ट है, बट अभी तक ये शेंगेन के अंदर नहीं है स्टिल। तो शेंगेन आप सभी को पता है इट्स नाउ डेज 26 कंट्रीज़। तो इसमें क्या है ना, फ्लक्चुएशन बहुत आती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री पूरे साल में सबसे ज़्यादा वीजे देगी, इट्स नॉट लाइक दिस। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, टाइम, करंट सिचुएशंस, पोलिटिकल डिसीजंस ओवर देयर, वेदर के ऊपर, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था। ड्यू टू दिस रीज़न देर आर मैनी कंट्रीज़ जो अपनी वीज़ा पॉलिसीज कंटिन्यूसली बेसिस पे चेंज करती रहती हैं, उसकी प्रॉपर अपडेट रखनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर अपडेट होएगी कि कौन सी कंट्री किस टाइम पे वीज़ा देगी, कौन सी कंट्री किस टाइम पे वीज़ा बंद करेगी, तो उसमें सक्सेस लेना बहुत ईजी हो जाता है और आप ऐसी प्रोफाइल में भी सक्सेस ले सकते हो जिसके अंदर ऑलमोस्ट वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देंगे, आज दिस इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल जो हमारे पास में आए थे, इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री ही बीन टू, और ये सिर्फ पाकिस्तान से यूएई आए हैं और ये इनका यहाँ पे फर्स्ट वीज़ा है और यहाँ का वीज़ा इनका लो ग्रेड का है, बहुत ही लो ग्रेड का इनका वीज़ा लगा था, ऑपरेटर का इनका वीज़ा लगा है, टेक्नीशियन ऑपरेटर का, और यहाँ पे ये इनका पाकिस्तान का वीज़ा सॉरी यूएई का वीज़ा है, दिस इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल। और मैं अभी आपको पासपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है इनका और इसके अंदर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एज़ यू कैन सी ये रिसेंटली मेड पासपोर्ट है इनका, ये इनका हमने वीज़ा है जो शेंगेन का करवा के दिया है, दिस इज़ फ्रॉम द माल्टा कंट्री। नाउडेज 3-4 ऐसी कंट्री हैं जो बहुत ही अच्छा वीज़ा देंगी ड्यूरिंग दिस सीज़न, ऑफ सीज़न हम कह सकते हैं, जिसमें आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये 2-3 महीने बहुत ही अच्छा कंट्री वीज़ा देंगी। माल्टा उसमें एक कंट्री है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है माल्टा के लिए तो आप उसके लिए अप्लाई करो। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसमें 3 मंथ का नहीं चाहिए। इसके बिना पासपोर्ट दिखाना कंटिन्यू करते हैं, ये वाला पासपोर्ट टोटली ही ब्लैंक है, इसके ऊपर कोई भी स्टैम्प, कोई भी वीज़ा, कोई भी स्टिकर नहीं है लगा हुआ, इवन यूएई का वीज़ा भी इस नए वाले पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे इनका है पासपोर्ट ख़त्म हो गया, इसके बाद में इनका पुराना पासपोर्ट है ये, इसमें सिर्फ एक वीज़ा लगा हुआ है जो कि यूएई का वीज़ा है, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यहाँ का। तो ये पाकिस्तान से इधर आए जॉब करने के लिए, दिस इज़ आल्सो लो कैटेगरी वीज़ा, कोई हाई कैटेगरी नहीं है। तो इसके अंदर आप चेक करोगे पूरे पासपोर्ट के अंदर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सो विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनको माल्टा का वीज़ा है जो हमने लेके दिया है। वी हैव अप्लाइड फॉर द न्यू ईयर इवनिंग, तो आप न्यू ईयर के बिना भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सक्सेस लेना चाहते हो यू हैव टू कैलकुलेट विच कंट्री इज़ गिविंग द वीज़ा मोस्ट नाउ डेज, तो ये सारी चीज़ प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप अपनी कंट्री सिलेक्शन करो। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ सिर्फ कंट्री सिलेक्शन की ही वजह से होता है और 90% ये डाउट की वजह से होता है कि उनको शक होता है कि आप उधर से वापस नहीं जाओगे, वापस नहीं आओगे। उस चीज़ का भी सोल्यूशन है, प्रॉपर सोल्यूशन है। अगर आपका वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है या आप किसी भी कंट्री से पहले खुद या किसी कंसल्टेंट से या हमसे भी आपने वीज़ा अप्लाई किया है, हमसे ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है अर्लियर टाइम में, तो भी आप विज़िट कर सकते हो बिकॉज वी आर डीलिंग द रिफ्यूज़ल केसेज एज वेल। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी कंट्री कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और आपका जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल रीज़न था उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। देखो रिफ्यूज़ल कॉमन चीज़ है, रिफ्यूज़ल मतलब ये नहीं है कि आपको उन्होंने बैन कर दिया है। रिफ्यूज़ल लेना और रिफ्यूज़ल के बाद में वीज़ा लेना इट्स अ कॉमन थिंग, वो कोई चक्कर नहीं है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा द रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल, एम्बेसी ने आपको प्रॉब्लम बता दिया, नाउ यू हैव टू गिव सम सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप फाइल अप्लाई करोगे आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी नेक्स्ट वाली फाइल में होएगा, तो चांसेस आर देयर कि आपको वीज़ा है जो वो मिल जाएगा। तो अगर आप भी अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, शेंगेन जैसे आपको पहले बताया 26 कंट्री है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए वो है आपका पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, वीज़ा कॉपी, एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट, हमको यहाँ पे सिर्फ कॉपीज ही चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका सीधा VFS में जमा होएगा 15-20 days के लिए। तो आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, वीज़ा आपका 4 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 6 मंथ होनी चाहिए, जिसमें आपको कम से कम 12-15 हज़ार बैलेंस भी दिखाना है।
अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम एडिशनल डॉक्यूमेंट, वो वेरी करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। हमारे चार्जेस हैं सिंगल एप्लीकेंट के लिए 840 dirham, फैमिली के लिए 630 dirham। जो 40 और 30 है दिस इज़ अ गवर्नमेंट वैट जो आपको वैट देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट शेंगेन वीज़ा। इस सारी फीसेस के अंदर हम आपको कंप्लीट फाइल बना के देंगे। इसके अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, होटल टिकट्स, कवर लेटर, डे टू डे प्लान, एप्लीकेशन फॉर्म और हमारी फीस, दिस ऑल इज़ इंक्लूसिव इन दिस। इसके बिना 15 या 20 दिन लेती है VFS एम्बेसी जब आप अपनी फाइल जमा कर देते हो। इंटरव्यू कोई नहीं है, देयर इज़ नो पर्टिकुलर इंटरव्यू। और आपको जब रिजल्ट आता है बाय कोरियर या फिजिकल आप वहाँ पे जाके लेके आते तो आपको पता चलता है वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शेंगेन वीज़ा। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अप्लाई, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स में कॉल कर सकते हो। अगर आप किसी भी और कंट्री के बारे में पता करना है, चाहे वो US हो, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वी आर ऑलमोस्ट डीलिंग फॉर ऑल ऑफ द कंट्रीज, तो आप हमारे ऑफिस में फ्री कंसल्टेंसी के लिए विजिट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारी कंट्रीज़ के रिलेटेड, वीज़ा एंड इमिग्रेशन के रिलेटेड आप बनाते रहते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप उस इन्फॉर्मेशन का भी बेनिफिट ले सकते हो। ये सब्सक्राइब करना फ्री होता है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।